हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, वीडियो में बात करेंगे हमारी चाची 420 की। और जाहिर सी बात है, चाची 420 का बर्थडे आ रहा है। 1 जुलाई को इनका बर्थडे है शायद, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो। और आपको पता है, बर्थडे गर्ल है, अब भाई खुद को संवारना भी है, जवान भी दिखना है। तो हमारी आंटी जी चली गई है पार्लर, और पार्लर जाके करवा रही है अपनी डेंटिंग पेंटिंग। लेकिन आंटी जी शायद एक बात भूल गई है कि भाई जो उम्र का तकाजा है ना, जो उम्र है इनकी, चाहे जितनी मर्जी डेंटिंग पेंटिंग करवा लो, वो तो लोगों को दिखने ही वाली है। अब चाहे भले ही आप लाख बोलो कि मैं 50 की हूँ, मैं इस साल भी 50 की, मैं अगले साल भी 50 की, हर साल आप 50 की हो, लेकिन फिर भी लोगों को दिखता तो है ही है ना। लेकिन जो आंटी जी की हरकतें हैं, वो कहते हैं ना कि उम्र बचपन की और दिल बचपन का, तो वैसे ही हरकतें हमारी आंटी जी करती हैं। इतना मुंह बना बना के, इतनी ओवर एक्टिंग कर करके आंटी जी व्लॉग बना रही हैं। सत्तानी कल भी खड़ी थी, सत्तानी आज भी खड़ी है, और सत्तानी आगे भी खड़ी रहेगी अकेली। तो इतना भी गुरूर अच्छा नहीं है आंटी जी, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता है। और घमंड तो खैर रावण का चकनाचूर हो गया, तो आप तो क्या ही हो, है ना। तो चाहे आप आज अकेली हो, कल भी अकेली हो, परसों भी अकेली खड़ी रहोगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो जनाजा है ना, वो 4 कंधों में उठकर ही जाएगा। उस टाइम पर आप अकेली कब्र में नहीं जाएंगी, 4 बंदे लगेंगे आपको जो कब्र तक पहुंचाएंगे। तो इतना गुरूर मत कीजिए, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और रही बात ये इतना मुंह बना बना के ओवर एक्टिंग करने का, तो भाई आप चाहे ओवर एक्टिंग कर लो, चाहे अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा लो, चाहे आप 16 साल की बच्ची बन के दिखा लो पब्लिक को, लेकिन रहेंगी तो आप 60-65 की ही, जो कि आपकी एक्चुअल एज है कि नहीं। और चलिए देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी जो इनका व्लॉग आएगा बर्थडे वाला, उसमें ये कितने साल की बताने वाली है खुद को, ठीक है। तो वेट कर रही है पब्लिक आपके उस व्लॉग का, ताकि जैसे ही आपका व्लॉग आए और आपको गालियों की भरमार, गालियों की बौछार आपको सुनाई दे आपके व्लॉग में। और रही बात, आप जो कह रहे थे कि YouTube में मेरे नाम से, Instagram पे मेरे नाम से, तो फिर ये सारी चीज़ें भी तो आपकी हरकतों को देखकर होती है ना। अगर आप ऐसी हरकतें करोगी ही नहीं, ठीक है, YouTube वालों ने आपको इतने महीने नहीं पूछा तो क्या हुआ, YouTube बंद करना पड़ा ना, इतने टाइम व्लॉग नहीं डाल रहे हो YouTube में। ये तो शुक्र मनाओ हम रिएक्शन चैनल वालों का कि आपके जो थोड़े बहुत व्यूज भी आ रहे हैं ना, वो भी हमारी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिएक्शन देते हैं आपके ऊपर, ठीक है ना। तो लोग आपको देखने जाते हैं। अब चाहे आप हमारे नाम से व्यूज ले रहे हो या फिर हम आपके नाम से व्यूज ले रहे हो, बात तो खैर एक ही है। हाँ, और एक और बात कि जिस दिन भी जुम्मा होता है ना, हमारी चाची 420 जो है ना, व्हाइट कपड़े डालकर खड़ी हो जाती है। इनको लगता है कि जुम्मा है तो व्हाइट कपड़े पहनो, और जुम्मा आया तो मतलब व्हाइट कपड़े पहनने हैं। तो आंटी जी, जुम्मे का मतलब ये नहीं होता कि तुम व्हाइट कपड़े पहनकर नंगा नाच करो, तुम रील्स बनाओ, है ना। जुम्मा आया है, व्हाइट कपड़े पहनो, नमाज पढ़ो। जुम्मे का मतलब है नमाज, ठीक है, कि नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह की इबादत करो, ताकि जो तुम्हारे गुनाह है ना, वो कम हो जाए। लेकिन हमारी चाची 420 जो है, वो तो ठहरी क्या कहते हैं उसको, फैशन इन्फ्लुएंसर है ना, फैशन की इन्फ्लुएंसर है। तो फिर इनको लगता है कि भाई जुम्मा है तो चलो आज व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं, भले फिर भी ये नमाज। और नमाज से एक और बात याद आ रही है कि बहुत सारे लोग ना इसको कमेंट करते हैं, नेल्स है, नमाज कैसे होती है फलाना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये नमाज नहीं पढ़ती है, जब तक इसके सिर में हेयर एक्सटेंशन रहेंगी, जब तक इसके हाथों में नाखून है, नेल्स है, ये नमाज नहीं पढ़ती है। और ये बात ये खुद बोल चुकी है अपने व्लॉग में काफी टाइम पहले, ठीक है। तो इसकी आप लोग इतनी टेंशन मत लो कि नेल्स है, नमाज कैसे पढ़ती है, वजू कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो इसको सारा पता है, ठीक है। ये कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि भाई इसको अकल नहीं है, इसको सारा पता है। तो ये कोई नमाज नहीं पढ़ती है, नमाज पढ़ने के लिए इसने एक ही महीना रखा है, वो है रमजान का महीना, कि भाई जैसे ही रमजान आएगा,
तो फिर चाची 420 की नमाज चालू हो जाती है। जैसा कि कहती है, हमें नहीं पता, लेकिन कहती है चाची 420 की भाई वो रोज़े रखती हैं, क्योंकि हमने बहुत बार इसको ना ऐसी सिचुएशन ऐसी हालत में कुछ ना कुछ चीज़ें हमने ऐसी पकड़ी हैं जिनसे कि ये कंफर्म हो जाता है कि ये रोज़े नहीं रखती, क्योंकि रमज़ान के महीनों में भी ये मुंह में तंबाकू दबाए या वो क्या रजनीगंधा वगैरह जो भी ये खाती है वो हम लोगों को बहुत बार ये दिखाई दी है। ठीक है, तो हम नहीं मानते कि ये रोज़े रखती है या नहीं रखती है, लेकिन नमाज पढ़ने का दिखावा ये जरूर करती है। ठीक है, तो इसने रमजान का महीना रखा है। हमारी चाची 420 की सोच ये है कि पूरा साल तुम ऐश मस्ती करो, ठीक है, अपना जो फैशन है, नाच गाना है, सारी चीजें करो, लेकिन रमजान का महीना होता है कि भाई उस टाइम तुम थोड़ा टाइम अल्लाह की इबादत कर लो तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ऐसी सोच हमारी चाची 420 की है, पूरा साल ये गुनाह करती फिरती है और एक महीने में ये माफी मांगती है। तो ये इसका पैटर्न है। और चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।